अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आफ्ताब नासर जी। डिस्ट्रो नेक्स्ट में छोटा सा टॉपिक है जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो हम जानते हैं, बारह बात कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो तादाद को जाहिर करता है, तादाद को। तो यहाँ पर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शोज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्कोर विच आर बिलो अ सर्टन वैल्यू। वी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पर कह रहा है कि मजमूई तादुद किसी भी कदर से पहली कदरों के तादुदात के मजमू को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर इसे मुराद है कि फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है उनको ऐड करें, और जो उनका ऐड करने के बाद जो सम है, उसका सम आता है, वो सम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल छोटी सी लेता हूँ, उससे आपको मजीद जो है ना वजाहत करता हूँ। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह इससे आपको मजीद वजाहत हो जाएगी। इसमें कहता है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टुक अ मैथ टेस्ट। Here are their marks as percentage. They have been grouped in 10. Find cumulative frequency. यहाँ पर कहते हैं कि नौवीं जमात के तमाम तलबा ने रियाजी का इम्तहान दिया, यहाँ उनके फ़ीसद नंबर दिए गए हैं जो कि दसवीं दस जमाती वक्फों मुनकसिम है। यहाँ पर देखें, हमारे पास ये है जी, एक से दस फ़ीसद के दरमियान जो स्टूडेंट रहे वो 3 हैं, 11 से 20 फ़ीसद के दरमियान जो स्टूडेंट रहे वो 6 हैं, 21 से 30 फ़ीसद के दरमियान जो स्टूडेंट रहे वो 11 है, फिर 31 से 40 13, फिर इसी तरह ये सारे स्टूडेंट हैं। अब ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी, ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी तादाद है ना, मतलब 3 लोग हैं तो 3 लिख दिया, 4 6 लोग हैं तो 6 लिख दिया, 21 और 30 के दरमियान 11 लोग आ रहे हैं तो 11 लिख दिया, ये सारी तादाद है। जब इन सब को हम जमा करते हैं या ऐसा कर लें कि 3 और 9, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देख क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखें तो वो 9 बनती है। 3 को 6 में जमा करें तो क्या बनती है, 9। फिर इसको इसमें जमा किया 9 आ गया यहाँ पर, फिर इसमें 11 जमा किया तो ये बनता है 20। तो यहाँ तक इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या बनती है, 11। तो यहाँ इसकी टोटल देखें तो ये टोटल जो इसकी 100 फ्रिक्वेंसी आई है इसे आपको ऐड करने के बाद, तो ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनती है। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी समझ आएगी। ये मजमूई है या सारी फ्रिक्वेंसी अब ऐड होती हैं, जितनी भी जो प्रीवियस फ्रिक्वेंसी होती है उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मिलती है। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।